आप सभी को जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए विषय पर हम सीखेंगे और आज का विषय मत्ती का सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय और 13वीं आयत पर आधारित है, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि तुम जगत के नमक हो। यीशु मसीह चेलों से क्यों कहता है कि तुम जगत के नमक हो? नमक में क्या खास बात है या नमक का क्या गुण है? आज इस वीडियो के दौरान हम इन बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इस विषय पर ध्यान देंगे कि नमक कैसे बनता है। हम सब जानते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन होता है। इस पानी को जो है एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और सूरज की गर्मी के कारण वहां जो इकट्ठा हुआ पानी जो है भाप बन जाता है और वहां पर मिट्टी के साथ साथ नमक रह जाता है। अब ये नमक को कोई भी इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि ये नमक के साथ मिट्टी मिला हुआ है। लेकिन ये जो मिट्टी और नमक मिला हुआ जो पदार्थ है उसका काफी प्रोसेस होता है, रिफाइन होता है, उसको शुद्ध किया जाता है और फिर हमारे पास नमक बनकर वो आता है। अब बात यह है, जब यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत के नमक हो, तो यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? यीशु मसीह कहना चाहता है कि एक समय ऐसा था कि संसार और पाप के मिलावट में हम पड़े हुए थे और हम जो है किसी काम के लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, हमारे सारे पापों को और अपराधों को क्षमा किया, हमें रिफाइन किया, हमें शुद्ध किया और आज हम यीशु मसीह के संतान बन गए हैं। और यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत के नमक हो, मतलब हमारे जीवन में एक शुद्धिकरण हुआ है। पुरानी आदतों को छोड़कर हम नए आदतों को अपनाकर हम प्रभु यीशु के संतान बन गए हैं। दूसरी बात यह है कि नमक का गुण यह है कि वो खाने को टेस्टी बनाता है। हम खाना कितना भी अच्छा बनाएं, लेकिन जब तक उसमें नमक नहीं है वो हम खा नहीं सकते हैं। भले हम बढ़िया से बढ़िया मसाला डालें या कितने भी अच्छे से हम उसको बनाएं, लेकिन उसका सबसे कोर इंग्रेडिएंट या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें नमक होना चाहिए और नमक उस खाने को स्वादिष्ट बनाता है। अब हमारी जिंदगी को जब देखकर यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत के नमक हो, यीशु मसीह चाहता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक फायदे का कारण बन जाए, दूसरों का जीवन और भी वो स्वादिष्ट बन जाए। कैसे बनेगा? जब हम देखते हैं कि लोग दुखी हैं, जब हम देखते हैं कि लोग मुसीबत में फंसे हैं, तो यीशु मसीह चाहता है कि यीशु मसीह के संतान अर्थात हम उस जगह पे पहुंचे और उनको सांत्वना दे, उनको दुख से बाहर निकाले। जहां पर शिक्षा नहीं है वहां पर शिक्षा दे। जो कमजोर है हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके पास जाए और उनको बल दे। जो दुख में है, जो विलाप कर रहे हैं, हमारा फर्ज है, हमारा गुण होना चाहिए कि हम उनके पास जाकर उनको सांत्वना दे। क्यों? क्योंकि नमक खाने को स्वादिष्ट बनाता है, वैसे ही हमारा जीवन के द्वारा दूसरों के लाइफ स्वादिष्ट बन जाए। तीसरी बात, नमक का ये गुण है कि जब भी हम उसको खाने में मिलाते हैं, सब्जी में मिलाते हैं, वो नमक इस प्रकार उस खाने में घुल मिल जाता है कि हम बाद में कभी भी उस खाने को देखकर नहीं कह सकते हैं कि नमक यहाँ है, नमक वहां है। हम नमक को कभी भी पहचान नहीं सकते हैं। जबकि कोई सब्जी बनाए तो हम उस सब्जी को देख सकते हैं, चावल बनाए, रोटी बनाए, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का नमक को जो है हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसके जो टेस्ट को हम ले सकते हैं। क्या हमारा जीवन के साथ हम इसका कनेक्शन बना सकते हैं? नमक महत्वपूर्ण है, लेकिन नमक नहीं चाहता है कि वो उठकर दिखे या उसकी प्रशंसा की जाए। हमेशा देखना, जब भी कोई सब्जी अच्छा बनता है हम मसाले की तारीफ करते हैं, हम सब्जियों का फ्रेशनेस या ताजगी का तारीफ करते हैं, कहीं भी नमक की तारीफ किया नहीं जाता है। प्रियो, अगर मैं और आप इस जगत के नमक हो और यीशु मसीह कहता है वो, तो हमारी एक गुण ये होना चाहिए, हम लोगों के साथ ऐसे घुल मिलकर उनकी लाइफ को ऐसे स्वादिष्ट बनाएं, लेकिन साथ में
हमारे जीवन में हम कभी भी प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि कोई आकर हमसे थैंक यू कहे, कोई आके हमसे कहे कि तुम बढ़िया काम कर रहे हो। ये सारी बातों की अपेक्षा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक कभी भी किसी भी खाने की चीज में से उठकर दिखता नहीं है। हम भी वैसे जो है समाज में प्रशंसा के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम जो है उनके साथ घुल मिलकर उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। चौथी बात, हम देख सकते हैं कि नमक हर एक परिवार में होता है, चाहे वो अमीर से अमीर क्यों ना हो, या वो गरीब परिवार क्यों ना हो, या मिडिल क्लास परिवार क्यों ना हो, हर एक परिवार में नमक जरूर होता है। कुछ कुछ खाने के पदार्थ बहुत महंगे होते हैं और हर परिवार में वो पदार्थ नहीं होते हैं, लेकिन नमक ऐसा एक चीज है जो बिना भेदभाव का हर एक के घर में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें इस जगत में रखा है तो हमारा जिम्मेदारी है कि समाज के हर एक ग्रुप के लोगों के साथ हम मिलजुल कर रहे। हम कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे झुंड के लोग हैं, या फिर सिर्फ हम अमीरों के साथ रह सकते हैं, या सिर्फ गरीबों के साथ रह सकते हैं, या सिर्फ ये हमारे भाषा वाले हैं, या हमारे जात के लोग हैं, इनके साथ हम रह सकते हैं। नमक का गुण वो सबके घर में होता है, तो परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम सबके साथ घुल मिलकर बिना भेदभाव के रहे। पांचवी बात, नमक का गुण है कि वो चीजों को सड़ने से बचाता है। पहले जमाने में जब फ्रिज वगैरह नहीं थे तो नॉनवेज या मीट को जब ज्यादा समय तक उनको रखना था, सड़ाहट से बचाना था, तब वो लोग उस चीज को जो है नमक में जो है संभाल कर रखते थे। आज भी हम देखते हैं हमारे अचार, पापड़, इन सारी बातों को ज्यादा समय संभाल के रखने के लिए नमक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो नमक के अंदर ये गुण है कि वो सड़ाहट से बचाता है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और चौथी आयत में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सड़ाहट से बचाया है, और प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है कि हम दूसरों को भी पाप के सड़ाहट से बचाकर उनको अनंत जीवन देना है। उत्पत्ति के किताब में हम देख सकते हैं कि अब्राहम और लूत जो है, परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, अब्राहम लूत के लिए जो है प्रभु से बात करता है। जब तक लूत सदोम में था तब तक परमेश्वर उस जगह को नाश नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने लूत को उस जगह से निकाला और उस जगह पे जो है आग और गंधरस को बरसाकर उस जगह को नाश किया। मैं बोलना ये चाहती हूं कि जब तक प्रभु के लोग रहते हैं, प्रभु उस जगह को सड़ाहट से बचाएगा, नाश से बचाएगा। तो प्रियो, मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है, और वो ये जिम्मेदारी है कि लोगों को पाप से बचाए, नरक जाने से बचाए, और लोगों को जो है पाप के सड़ाहट से बचाए, क्योंकि नमक का भी यही गुण है। छठवीं बात, नमक के अंदर चंगाई देने का भी एक गुण है, वो जितने कीटाणु है कीटाणु को मार सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारे गले में दर्द है, या हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी के अंदर नमक डालकर हम गरारे करते हैं, गार्गल करते हैं, और ये जब हम करते हैं तो हमारे गले में काफी आराम हमको पड़ता है। ये क्यों हमको आराम पड़ता है? क्योंकि नमक के अंदर ऐसा गुण है कि वो कीटाणु को खत्म कर सकते हैं। प्रियो, नमक के अंदर चंगाई देने का एक गुण है। तो यीशु मसीह हमको जब कहता है कि हम जगत के नमक है, तो प्रभु यीशु चाहता है कि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग आपके घर के बगल में हैं, या आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, जो बीमार है, या तो शरीर में नहीं तो मानसिक रूप से बहुत टेंशन में और दुख में है। आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको उस जगह पे क्यों रखा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा वो लोग चंगाई को प्राप्त करें, आपके द्वारा वो लोग प्रभु यीशु का वो शांति को उनके जीवन में महसूस करें। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप जहां जहां जाए प्रभु यीशु का चंगाई और शांति और खुशी को लोगों तक पहुंचाए। नमक का अगला गुण ये है कि जब भी हम कोई नमकीन चीज खाते हैं तो हमें बहुत प्यास लगता है और हम पानी पीते हैं।
हम इसको इस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम जगत के नमक है, जहां कहीं हम है लोग हमारे पास आएंगे, क्यों? हमारी श्रेष्ठता के कारण नहीं, क्योंकि हमारे स्वभाव द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनको प्रकट हो रहा है। और यीशु मसीह कहता है जो कोई प्यासे हैं वो मेरे पास आए, मैं उनको जीवन का जल दूंगा। तो आप पृथ्वी के नमक हो और आप लोगों के अंदर ऐसे प्यास को जगा सकते हैं जो यीशु मसीह की ओर उनको लेकर जा पाएगा। अगला बिंदु जो नमक के बारे में मैं आपको कहना चाहती हूं वो ये है कि नमक का रंग जो है सफेद है। सफेद किसको दर्शाता है? सफेद मेल मिलाप को दर्शाता है, सफेद जो है पवित्रताई को दर्शाता है। अगर हम पृथ्वी के नमक है तो प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, दूसरों के साथ हम मेल मिलाप के साथ रहें, कभी भी हम लोग झगड़ालू हैं या कभी भी हम लोग लड़ाई करने वाले लोग हैं, इस प्रकार जो है कोई भी हमारे प्रति गवाही नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट बाइबल में लिखा है कि पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं कर परमेश्वर कहता है। तो प्रभु चाहता है कि हम संसार के गंदगी के साथ अपने आप को मिलाकर हम अशुद्ध ना रहे, लेकिन हम पवित्र रहे और दूसरों को भी हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे पवित्र बनाएं। आखिरी बात मैं जो नमक के बारे में बताना चाहती हूं वो ये है कि नमक का जो कीमत है वो बहुत कम है। अगर हमारे घर में जितने भी चीज हम खाने के लिए खरीदते हैं अगर हम जरा चेक करेंगे, चाहे वो चावल हो, आटा हो, सब्जियां हो, नमक हो, मसाले हो, इन सारी बातों में हम ये देख सकते हैं कि सारी बातों में सबसे कम दाम जो है नमक का है। नमक का ज्यादा वैल्यू नहीं है नमक, लेकिन नमक बिना हमारा कोई खाना बनता भी नहीं है। प्रियो इस समाज में आपका ज्यादा वैल्यू लोग आपको दे नहीं रहे होंगे, आपको लोग इज्जत नहीं दे रहे होंगे, आप शायद से आपके परिवार में अकेले होंगे विश्वास में, आपके परिवार के फंक्शंस में लोग आपको बुला नहीं रहे होंगे, कोई वैल्यू नहीं दे रहे होंगे। लेकिन प्रियो याद रखना, नमक को ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन नमक बिना एक परिवार चल भी नहीं सकता है। यीशु मसीह इस संसार में था तब यीशु मसीह के ऊपर भी लोग इल्जाम लगाते थे, यीशु मसीह को जो है लोगों ने मारा, थूका, बाल नोचा, उनके सिर के ऊपर कांटों का जो मुकुट रखा, इतना दर्द, इतना जो दुख यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने दिया। क्यों? यीशु मसीह का कोई वैल्यू नहीं था? यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उनका इस संसार में बहुत दुख सहना था। लोगों ने उनको यीशु है, राजा है करके कभी अपनाया नहीं था। उनके अपने भी जो है यहूदी लोगों ने भी जो है यीशु को नहीं अपनाया। हम भी वही यीशु के संतान है प्रियो, हमारा भी इस संसार में ज्यादा कीमत नहीं होगा। लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है इस संसार में आपका बहुत सा क्लेश होगा, लेकिन धीरज धरो क्योंकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहां कहीं जाते हैं, जहां कहीं नौकरी करते हैं, जहां कहीं आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप मिलते हैं जुलते हैं, एक बात जरूर याद रखिए और वो ये है कि आप पृथ्वी के नमक हो। और जितने गुण आज हमने सीखा है उस सारे गुण को हम कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में वो अपनाएं और प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको अगर इस प्रकार के स्टडीज पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अन्य मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वचन बहुतों के पास पहुंच जाए और वो लोग भी आशीषित हो जाए। आप अपने कमेंट्स भी मुझे भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।